बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि ज़ैबुन्निसा का जो ने जो अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया है। कुछ और वक्त की मांग की गई थी सरेंडर करने के लिए, सजा माफी याचिका की थी दलील। और इस मामले का सीधा सीधा अब हम इससे जुड़ता हुआ देख सकते हैं संजय दत्त से, क्योंकि 6 महीनों की का वक्त उन्होंने भी, मोहलत उन्होंने भी मांगी सरेंडर करने के लिए। हमारे संवाददाता संजय शर्मा और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी संजय, ज़ैबुन्निसा काजी इजहाक शरीफ, क्या नाम है पूरा, शरीफ अब्दुल गफूर और भुल्लर, तो मैंने ये भी अपील करी कि जब तक पार्डन पेटिशन डिसाइड ना हो तब तक प्रेसिडेंट रिस्पाइट दे दें, रिस्पाइट, क्योंकि आर्टिकल 72 में सिर्फ पार्डन शब्द ही नहीं प्रयोग किया गया है, रिस्पाइट, रिप्रीव, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी वर्ड यूज हुए हैं आर्टिकल 72 में। तो जब तक पार्डन पेटिशन न डिसाइड हो तब तक रिस्पाइट दे दें या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर दें प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर जैसे भुल्लर मानी हैंग हो जाए और पार्डन पेटिशन मेरी डिसाइड ही ना हो तो इनफेक्चुअस हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो लिहाजा ये मैंने कहा है कि जब तक मेरी पार्डन पेटिशन डिसाइड हो तब तक रिस्पाइट ग्रांट कर दी जाए, जैसे वो बॉम्बे ब्लास्ट केस में कहा गया कि 4 हफ्ते में सरेंडर करिए। 21 मार्च का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, तो 4 हफ्ते खत्म हो जाएंगे 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को। तो अगर मानिए पार्डन मेरी पेटिशन 6 महीने 1 साल के बाद डिसाइड होती है और अलाउ हो जाएगी, अलाउ हो जाए तो क्यों अननेसेसरी जेल जाना पड़े। तो इसलिए मैंने कहा जब तक वो पार्डन पेटिशन न डिसाइड हो तब तक रिस्पाइट ग्रांट कर दीजिए कि वो इम्प्लीमेंट ना हो जजमेंट। जस्टिस मार्कंडे काजू अपनी तरफ से ये सारी बातें कह रहे थे कि जब तक राष्ट्रपति के सामने ये सारा मामला है उस वक्त तक कम से कम सरेंडर के लिए वक्त दे दिया जाए, लेकिन डिसमिस कर दिया गया है इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में। हम आपने संवाददाता संजय शर्मा के पास और जानकारी के लिए चलते हैं। जी संजय जी, कोर्ट ने इनकी अर्जी सुनने के बाद लगभग आधा घंटा इस पर बहस हुई और कोर्ट ने आखिर में ये कह दिया कि वो इनकी अर्जी को स्वीकार नहीं कर सकते, और उनके हिसाब से, अदालत के हिसाब से उनके तमाम दलीलों का कोई अदालत पर कोई असर नहीं हुआ। और अदालत ने ये कह दिया कि ठीक है आपका अधिकार है, क्योंकि फालियस नरीमन ने कहा याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि उनका ये संवैधानिक अधिकार है और वो राष्ट्रपति के पास जरूर जाएंगे, उसे एक्सरसाइज करना चाहेंगे। कोर्ट ने कहा आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन तब तक हम सजा को लंबित नहीं रख सकते हैं जो आपकी अर्जी है, क्योंकि देश में हजारों ऐसे सजायाफ्ता लोग हैं जिनको अदालत सजा सुनाती है तमाम सुनवाई के बाद, और वो सारे लोग अगर राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगा के और ये कहें कि जिसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है अभी तक, ऐसे में ये अदालत के लिए बहुत मुश्किल होगा और प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी कि किस किस की सजा रोके और क्या करें। लेकिन इस पर कोर्ट ने उनकी तमाम दलीलें सुनने के बाद उनकी याचिका खारिज कर दी और ये कह दिया कि हम इसे डिसमिस करते हैं, यानी अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसी मामले को अगर देखा जाए तो इसमें संजय दत्त का मामला जो, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर शूटिंग का हवाला वो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए मोहलत दे दी जाए उन्हें, तो इस फैसले, इस डिसमिसल को देखते हुए सीधा सीधा दिख रहा है कि वहां पर भी हो सकता है उनके साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, 2 बजे जैसे ही कोर्ट खाने के भोजन अवकाश के बाद कोर्ट बैठेगी तो 2 बजे मेंशनिंग होती है जिसमें संजय दत्त का मामला मेंशन किया जाएगा, और उन्होंने जो अपील की है उनका ये कहना कि उन्हें 6 महीने की मोहलत दी जाए, क्योंकि उनकी कई फिल्में पेंडिंग है जिस पर बॉलीवुड का 365 करोड़ से ज्यादा रुपया दाव पर लगा है, तो ऐसे में अगर और उन्होंने जो कैलकुलेशन किया है हर फिल्म की शूटिंग के बीच के दरमियान का वक्त लगाया है तो उसमें 198 दिन का तखमीना लगाया गया है कि अंदाजन 198 दिन उन्हें लगेंगे, 180 दिन की उन्होंने मोहलत मांगी है, जिससे अब ये अभी का जो अदालत का आदेश है जो डिसमिस किया है उसे देखते हुए तो संजय दत्त की धड़कनें बढ़ गई होंगी कि आगे अब उनके मामले में भी कुछ इसी तरह से चीजें हैं। तो इन्होंने तो राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका की दलील दी थी, संजय दत्त ने फिल्मों की दलील दी है, अब देखा जाए कि अदालत ये भी कह सकती है कि ये अदालत का विशेष अधिकार है, ये भी कह सकती है पहले सरेंडर करो उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। तो ये काफी मामले में पेंच बढ़ गए हैं और साथ ही संजय दत्त की धड़कनें भी बढ़ गई होंगी।
वाकई। और जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि लगातार न जाने कितने लंबित मामले हैं इस पूरे देश में, उन सबको देखते हुए इस तरह की चीजों को वो नहीं एंटरटेन कर सकते हैं। अभी ज़ैबुन्निसा इशाक और शरीफ तीनों ने जो पिटीशन दिया था कि कुछ और वक्त मिल जाए सरेंडर करने से पहले, उसे खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। ज़ैबुन्निसा की अर्जी खारिज कर दी गई है, रद्द कर दी गई है। अब मुन्ना भाई का क्या होगा? संजय दत्त को आज ही जाना है सुप्रीम कोर्ट में, आज सुनवाई होनी है उनके मामले की। लेकिन दरअसल चूंकि मामला जुड़ा हुआ है, आरोप जुड़े हुए हैं यहां पर, और इसीलिए मांग भी एक ही तरह की थी। और यूं हम कहें संजय, तो ये गलत नहीं होगा कि संजय दत्त की तरफ से और संजय दत्त की वकालत में जो आवाजें उठनी शुरू हुई थी, उसके बाद से ही बाकी लोगों ने भी इन चीजों पर बात करनी शुरू हुई कि अगर आरोप एक है, सजा कमोवेश एक तरह की नजर आ रही है, तो उसमें अगर संजय दत्त के लिए इतने सारी आवाजें उठ रही हैं कि उन्हें माफी दी जाए, तो बाकी नाम क्यों नहीं उसमें शामिल हों। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब गए, सबने ये अपील की कि सरेंडर करने के लिए वक्त की मोहलत दी जाए, क्योंकि राष्ट्रपति के पास मामला है कि क्या उन्हें माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पूरे मामले में। जस्टिस मार्कंडे का जो जब बाहर निकले थे, कुछ काफी कुछ कह रहे थे संजय, अब उनका रुख क्या है पूरे मामले को लेकर? अभी फिलहाल तो उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है सारे लोगों के लिए जो सजा याफ्ता हैं उन सारे लोगों के लिए, तो ऐसे में अदालत का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले का पर आदेश आना है। देखें अब सुनवाई में क्या नतीजा निकलता है, कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है या उसी समय मेंशनिंग के समय इसे खारिज करती है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। लेकिन मामला एक बहुत ही दिलचस्प और आप कहें तो रोमांचक मोड़ पे आकर खड़ा हुआ है, जहां पर तमाम लोगों को उत्सुकता से 2 बजने का इंतजार है कि कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो उस समय फिर कोर्ट का रुख कैसा रहता है। क्योंकि संजय दत्त को जो सरेंडर करना है वो 18 तारीख को सरेंडर करना, आज 16 तारीख है, तो ऐसे में अगर हम माने कि संजय दत्त को नहीं मिलती है राहत, तो क्या कोई दूसरा रास्ता है जिसे वो अख्तियार कर सकते हैं? इसके बाद तो फिर रिव्यू पिटीशन लगाने का ये रास्ता है, जिसमें अगर रिकॉर्ड हम खंगालें और देखें तो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में 99% रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाते हैं, उस पर ज्यादा विचार नहीं किया जाता जब तक कि उसमें कोई ऐसा पेंच, ऐसा कोई नुक्ता ना लगाया जाए जिससे हियरिंग हुई नहीं या हियरिंग के दौरान उसे टच नहीं किया गया। लेकिन तब तक लोग तमाम दलीलें, तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत अपने पक्ष में पेश कर चुके होते हैं, लिहाजा उसमें आगे करने को कुछ बचता नहीं, और अभी भी ये सारे रास्ते ये अपना चुके हैं, तो ऐसे में रिव्यू पिटीशन उसी कोर्ट के सामने दाखिल होना है जिन्होंने सुनवाई की और जिन्होंने फैसला सुनाया, तो जाहिर है कि इसमें रास्ता बहुत कम बच जाता है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, उसमें इतने सारे लूप होल्स हैं, इतने सारे सुराख हैं जिनका फायदा उठाकर लोग कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेते हैं, तो इंतजाम अगर करने पर आए तो देश के बड़े बड़े वकील उनके लिए लगे हैं, तो जाहिर है कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। लेकिन फिलहाल जो बॉटल नेक है वो बिल्कुल नैरो होती हुई नजर आती है, वो बहुत ही संकीर्ण नजर आती है, जिसमें निकलने का रास्ता बहुत ही सकरा है और बहुत ही मुश्किल।